और मुख्तरम साथी इकराम साहिबान और प्यारे साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर आपसे मुखातिब हूँ उसका उन्वान है जिस कौम के बच्चे ना खुदार हुनरमंद, जिस कौम के बच्चे ना खुदार हुनरमंद उस कौम से तारीफ के मामा ना मांगो। आज के बच्चे कल के शहरी, आज के बच्चे कौम का मुस्तकबिल, आज के बच्चे कौम की किस्मत के सितारे हैं जिनके साथ हमारे उनका खुशियाँ मिलता है। अगर ये अच्छे हैं तो कौम का मुस्तकबिल दानदार, अगर ये बुरे हैं तो कौम का मुस्तकबिल दारी। इस वक्त हमारे कीमती दौलत बाजारों गली और चौराहों में पामाल हो रही है, बदअखलाकी के जरासीम उनके पाकीज़ा बदन में दाखिल किए जा रहे हैं। इंटरनेट जिसको दुनिया तरक्की का जीना समझती है उसने हमारे बच्चों को पैच कर दिया है। जनाबे सदर, कौमी किरदार का अलग तरीन नमूना जो बड़े से छोटे को मुंतकिल हो रहे हैं। कारोबारी हजरात अपने बच्चों को अपनी तारीफ दे रहे हैं। मेरी यही मकसद है, आज बच्चों के सामने जब कौमी किरदार की उस लोग फर्ज हो गई तो खुदा ना आप ही बताए, आप ही बताए हमारा मुस्तकबिल कितना तारीख और हमलाक होगा। आम लोगों से जो पाकिस्तान की किश्त में सवार है मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो इस किश्त में चेक करने से इतना करे, वरना बच्चों के न तो मार न साथी तुम्हारे, बच्चों के न तो मार न साथी तुम्हारे, अगर ना डूबी तो डूबेंगे सारे। जनाब सदर, मैं खुद आमदा मकतब से जिनके हाथों में कौम की किस्मत के रही है सवाल करता हूँ कि आपने शाहीन बच्चों को बुलंद परवाजी के लिए कौन सा प्रोग्राम पेश किया। जनाब सदर, देखना तो ये है कि हमारा कौमी किरदार असल है क्या और हमारे बच्चे इसकी तामीर में किस हद तक कोशिश कर रहे हैं। हमारा कौमी किरदार दो लफ्जों में ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह की अमली तस्वीर है, यानी अल्लाह के सिवा कोई बादशाह नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई हाजी और रहनुमा नहीं। लेकिन ये तो बस नियामत है कि हमारे बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तो एक तरफ इस कलमे का सही तरफ पुस्तक नहीं जानते। जनाब सदर, आप उनका मुस्तकबिल तामीर करने वालों से दुनिया भर के अदाकारों और खिलाड़ियों के नाम तो पूछ सकते हो लेकिन इस्लाम की तारीफ का एक पग भी उन्हें याद ना होगा। हमारे ज्यादातर बच्चे गालम गुलूज धोखाधड़ी और बदतमीजी में अपना सानी नहीं रखते लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि नजरिए पाकिस्तान क्या था और किस लिए लाखों शहीदों ने गले कटवाए। जनाब सदर, इस गालमगिरी की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? क्या वालिदैन असातिज़ा किराम प्रोग्राम या फिर समाज? नहीं नहीं जनाब सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ इस बीच अलीस के अभियारी में हम सब बराबर के शरीक हैं। हमें बच्चों के मुताबिक अपने बर्ताव में खुद पर तब्दीली लाना होगी। हमें सोचना होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधारने की सब जरूरत है। मामले में जब बच्चा सुबह बेदार होता है तो वो सोचता है कि आज मेरी कौन सी नई जात कर दी है और जबकि हाँ बच्चा बेदार होता है तो सबसे पहले वालिदैन की डांट डपट फिर स्कूल में बेरोखी या शुद्ध दोशुद्ध। जनाब सदर, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आज भी हमारे बच्चों में तारिक बिन जाद, मोहम्मद बिन कासम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पता चाहे तो मौजूद है लेकिन इनका दिल के लारों को इन हीरो को तलाशने की अशद जरूरत है। जिस कौम के पास के हामिल अपराध मौजूद हो तो दुनिया की कोई ताकत उसका सामना करने की जरूरत नहीं कर सकती। जनाब सदर, चलाओ इश्क जलाओ शहर में अंधेरा है, चलाओ इश्क जलाओ शहर में अंधेरा है, साथ देने को कदम बढ़ाओ एक मुसाफिर अकेला। वस्सलाम।